वॉल्ट स्मिथ की एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए आपको पांचवें भाग में अंगूठी धोने की कला सिखाते हैं कि एक सोने की अंगूठी जब काली पड़ जाती है या बेरंगी हो जाती है तो उसे किस प्रकार से धोया जाए। देखिए ये एक सोने की अंगूठी किस प्रकार से काली पड़ गई है, उसके अंदर धब्बे पड़ गए हैं, तो उसे किस प्रकार से साफ किया जाए। देखिए पहले पहले एक छोटे से टब में या छोटे से प्लास्टिक का बर्तन लें, उस बर्तन में थोड़ा सा गर्म पानी डालें, उस गर्म पानी में तीन हरीठे गर्म करके उसमें डाल दिए जाएं और उस पानी को ऐसे हाथ से जोर जोर से घुमाया जाए तो उसमें बुलबुले निकलने लगेंगे। जब वो बुलबुले पूरे ही मतलब के जितने बर्तन में जितना बर्तन हो उतना आधा पानी हो और उसके हिसाब से तीन हरीठे डाले जाएं गर्म करके और वो ब्रश से रगड़ करके इसको इस तरह से साफ किया जाएगा। उसके ऊपर ब्रश लगा करके, चाहे वो दांतों वाला ब्रश, यदि घर में यदि साफ करना हो तो सिर्फ दांतों का ब्रश ही प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल यदि सुनार अपना प्रयोग करना चाहें तो उसके लिए तारों वाला ब्रश प्रयोग करना जरूरी है क्योंकि उससे सफाई बहुत अच्छी आती है। इस प्रकार उसको अच्छी तरह रगड़ करके उसे कपड़े द्वारा साफ कर लिया जाता है। दूसरा तरीका उसका यह है कि उसे थोड़ी देर के लिए गंधक के तेजाब में रखा जाता है, क्योंकि गंधक का जो तेजाब है वो सोने को नहीं नुकसान करता, जबकि जो शोरे का तेजाब है उसको यदि सोना डाल दिया जाए तो वो पूरा का पूरा पानी बन जाता है। इसलिए ध्यान रखें कि गंधक का तेजाब प्रयोग करें, ना नमक का हो ना ही शोरे का हो, सिर्फ गंधक का तेजाब हो, और गंधक का तेजाब एक गिलास मात्रा में उसका चौथा हिस्सा गंधक का तेजाब डाला जाए और उसे कम से कम आधा घंटे के लिए उसमें उस सामान को रख दिया जाए जो सामान खराब हो चुका है, मटमैला हो चुका है, जिसमें धब्बे पड़ चुके हैं, उसे कुछ देर के लिए रख दिया जाए और सोने का पूरे कलर में आधे घंटे बाद वो सामान आ जाएगा जो सोने का तैयार हुआ है। तो अंगूठी साफ करने की यह है कि किसी के ज़्यादातर यूज होती है अंगूठी, हम हाथ में पहने रहते हैं तो ज़्यादातर वो एक हफ्ते के अंदर ख़राब हो जाती है और उसे हम सुनारों के पास भागना पड़ता है, हैं तो सुनारों के पास जो भागना पड़ता है उसके लिए कि हम घर में भी साफ कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस प्रकार से आप उस अंगूठी को साफ कर सकते हैं।